Hello students, I hope you all are fit and fine. Now in our series of Python for Beginners, this is the second video in which we are going to learn about all the arithmetic operators and relational operators. तो आज हम रिलेशनल ऑपरेटर्स करने जा रहे हैं. रिलेशनल ऑपरेटर्स मतलब बड़ा छोटा. मुझे आशा है कि सभी ने अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाके पैड्रॉइड 3 इंस्टॉल कर लिया है और पिछले वीडियो के सारे क्वेश्चंस को उन्होंने सॉल्व कर लिया. अब आज हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स इन पाइथन करेंगे. रिलेशनल ऑपरेटर्स में हम डबल इक्वल टू साइन यूज करेंगे चेक करने के लिए कि दोनों वैल्यू इक्वल है कि नहीं. नॉट इक्वल टू साइन यूज करेंगे चेक करने के लिए कि नम वन इज नॉट इक्वल टू नम टू. अगर सही है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर गलत है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा. नेक्स्ट ग्रेटर देन, ग्रेटर देन चेक करने के लिए हम नम वन ग्रेटर देन नम टू करेंगे, अगर सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स. ऐसे ही लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू. तो ये सारे ऑपरेशंस हम लोग करने जा रहे हैं एक एक करके. तो इसके लिए ये एनसीईआरटी बुक है. एनसीईआरटी बुक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका एड्रेस दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप एनसीईआरटी बुक खोल के इसमें से देख सकते हैं. और आज हम लोग अभी कोडिंग करेंगे. कोडिंग के लिए हमको आइडियली विंडो या फिर पाइड्रॉइड 3 हमने ओपन किया है. पाइड्रॉइड 3 में नीचे एक एरो है जिससे हम कोड को रन कराएंगे. तो सबसे पहले हम एरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसमें हमने प्लस ऑपरेटर यूज किया है, हमने माइनस ऑपरेटर यूज किया है, हमने सॉरी माइनस ऑपरेटर के लिए हम माइनस साइन यूज करेंगे, माइनस ऑपरेटर यूज किया है. इसके बाद हमने इनटू स्टार ऑपरेटर, इनटू के लिए होता है, स्टार ऑपरेटर यूज किया है. फिर 5/2 ये डिवीजन के लिए हमने यूज किया था, 5/2 ये हमने फ्लोर डिवीजन के लिए यूज किया था, जिसमें इंटीजर पोर्शन डिवाइड करने के बाद खाली इंटीजर पोर्शन रिपीट कर रिटर्न करता है. नेक्स्ट %2 इसमें मॉड्यूलस खाली रिमाइंडर दिखाता है. देन 5/2 इसमें एक्सपोनेंट टू द पावर दिखाता है. ये हम ऑलरेडी पिछले क्लास में कर चुके हैं. आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू. आज हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर करने जा रहे हैं, जिसका आउटपुट क्या होता है. अगर मैं पूछूंगी 5 4 से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है, तो तुम बोलोगे कि ट्रू या फॉल्स, हाँ है या नहीं है. तो इसका जो आउटपुट आता है या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है. तो 5 > 4 इसका आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा. ठीक है, तो इट इज ट्रू, इट रिटर्न्स ट्रू. नेक्स्ट इज 5 > 4, इट विल रिटर्न फॉल्स, फॉल्स आ गया. क्लियर. नेक्स्ट, यस, नाउ नेक्स्ट इज 5 > = 5, ट्रू. नेक्स्ट 5 > = 4, फॉल्स. नेक्स्ट 5 = 5 क्या होगा, हाँ इक्वल टू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन 5 = 4 करने से ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि इक्वल टू नहीं है. 5 नॉट के लिए एक्सक्लेमेशन साइन यूज करते हैं. नॉट इक्वल्स टू 4 इसका वैल्यू ट्रू है क्योंकि हाँ वो नहीं है इक्वल टू. 5 > 5 देने पे आउटपुट क्या आएगा, सही फॉल्स आएगा क्योंकि ये इक्वल टू नहीं. नॉट इक्वल्स टू 5 मीन्स फॉल्स क्योंकि ये इक्वल्स टू है. ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स. रिलेशनल ऑपरेटर्स मतलब हम बड़ा है छोटा है, इक्वल्स टू है कि नहीं, नॉट इक्वल्स टू है कि नहीं, ये सब हम चेक कर रहे हैं, इसीलिए इसका आउटपुट जो है वो ट्रू या फॉल्स है. अब इसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स के बाद हमारे सिलेबस में ये एनसीईआरटी बुक में असाइनमेंट ऑपरेटर्स है. असाइनमेंट ऑपरेटर्स का मतलब है कि हम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं.
इक्वल्स टू देंगे तो इक्वल्स टू में वैल्यू असाइन हो जाएगा। अब इसके बाद बहुत सारे शॉर्टकट असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि प्लस इक्वल्स टू का मतलब होता है अगर नम प्लस इक्वल्स टू 10 देते हैं तो नम इक्वल्स टू नम प्लस 10 हो जाता है। जैसे x प्लस इक्वल्स टू वाई है तो x इक्वल्स टू x प्लस वाई हो जाएगा। तो ये वेरिएबल लेके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल इनपुट कैसे लिया जाता है हम उसको शुरू करते हैं। तो इनपुट लेने के लिए, वेरिएबल्स को इनपुट लेने के लिए हमारा जो होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनपुट लेंगे। इनपुट तीन तरीके से आज सीखेंगे हम लोग। अगर हमको स्ट्रिंग लेना है, टेक्स्ट लेना है, तो हम इनपुट एंटर द स्ट्रिंग। जैसे हमको अभी नाम लेना है, सपोज नेम लेना है, तो इक्वल्स टू इनपुट यूजर से लेना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा एंटर योर नेम। अब इसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, जो भी तुम्हारा नाम है तुम यहाँ पे लिखोगे। सपोज तुम्हारा नाम रिया है, एंटर। अब नेम में उसने रिया डाल दिया है। अब इसके बाद का स्टेप, सपोज मेरे को प्रिंट हेलो रिया करना है, तो प्रिंट इसमें मैंने हेलो जो है उसको स्ट्रिंग डायरेक्टली ले लिया है। प्लस ऑपरेटर हमने पिछले वीडियो में किया था जो कि कॉन्कैटिनेट करता है, मतलब जॉइन करता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ता है। तो यहाँ मैंने नेम दिया है, नेम जो एक वेरिएबल मैंने लिया था। अब उस नेम में क्या था, रिया था, तो यह क्या प्रिंट करेगा, हेलो रिया। लेकिन हेलो के बाद मैंने स्पेस नहीं दिया तो इसने हेलो रिया को जोड़ के प्रिंट कर दिया। अगर मेरे को स्पेस देना है तो मैं प्रिंट के बाद जब मैंने हेलो टाइप किया उसके बाद या तो मैं यहाँ पे स्पेस दे दूंगी या फिर मैं उसके बाद एक स्पेस को ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने हेलो के बाद स्पेस दे दिया है तो इसने हेलो रिया प्रिंट किया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको, ये तो हमने नाम, कोई भी स्ट्रिंग टेक्स्ट लेने के लिए मैंने इनपुट यूज़ करके फिर जो भी मैसेज डिस्प्ले कराना है वो मैसेज को तुमने डिस्प्ले कराया। जैसे यहाँ पे मैं एड्रेस लेना चाहती हूँ तो इनपुट एंटर योर एड्रेस, यहाँ पे एंटर योर एड्रेस आएगा और आप एड्रेस डाल देंगे। नेक्स्ट इज, अगर कोई मेरे को न्यूमरिक वैल्यू लेना है, न्यूमरिक वैल्यू में इंटीजर वैल्यू लेना है, तो यहाँ पे इंट यूज करेंगे। सपोज एक नंबर लेना है तो नम इक्वल्स टू यहाँ पे इंट डाल के इसके बाद हम इनपुट एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर जो स्ट्रिंग है उसको किसी भी अपर केस लोअर केस में लिख सकते हैं, एंटर अ नंबर। अब नम के पास जब हम रन कराएंगे वो बोलेगा एंटर अ नंबर, और जब मैं एक नंबर डालूंगी तो नम के पास 5 चला गया। अब इस 5 से हम कोई भी टास्क कर सकते हैं क्योंकि नम के पास वो 5 है। तो अगर मैं यहाँ पे नम प्लस 5, नम स्मॉल लेटर में है तो हम स्मॉल लेटर टाइप करेंगे, नम प्लस 5 एंटर करेंगे तो उसने नम का वैल्यू जो यूजर ने डाला था 5 उसको लिया और प्लस 5 करके दिखा दिया। नेक्स्ट हमारा नम स्टार 2, नम स्टार 2 क्या करेगा, इंटू करेगा। तो ये नम इंटू 2, नम का वैल्यू 5 है, 5 इंटू 2 10, 10 डिस्प्ले किया। नेक्स्ट नम टू द पावर, टू द पावर के लिए हम 2 स्टार यूज करते हैं, 2, तो इसने 25 प्रिंट किया। अब हम इसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स भी यूज करेंगे, तो नम ग्रेटर देन 5, यहाँ आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि नम तो इक्वल्स टू 5 है। हाँ, अगर इक्वल्स टू चेक करना है तो यहाँ पे डबल इक्वल्स टू से चेक होता है, डबल इसमें ट्रू देगा, रिटर्न करेगा, तो ये ट्रू आ गया। तो ये हमने एक वेरिएबल लिया इंट इनपुट करके और उसके ऊपर टास्क किया। अगर हम यहाँ पे सपोज n1 लेते हैं और इंटीजर की जगह पे हम फ्लोट लेते हैं, फ्लोट जो है वो डेसिमल वैल्यूज को लेता है। नेक्स्ट इनपुट बाकी पूरा सेम रहेगा, एंटर अ डेसिमल नंबर, अब इसमें हम कोई डेसिमल नंबर डालेंगे। सपोज मैंने 1.5 डाला है,
अब जब इसके इसमें ऑपरेशंस हम करेंगे, सपोज n1 के पास एक डेसिमल नंबर है, मैंने इसमें +2 किया, तो इसका आउटपुट जो है +2 होके ये भी एक डेसिमल 3.5 आ गया। तो डेसिमल नंबर लेने के लिए हमको फ्लोट लिखना पड़ता है और इंटीजर नंबर लेने के लिए हमको इंट लिखना पड़ता है, और स्ट्रिंग के लिए हम हमेशा इनपुट एंटर स्ट्रिंग लिखते हैं। तो ये इनपुट लेने के 3 तरीके हो गए, एक स्ट्रिंग, एक इंटीजर और एक फ्लोट। आज हम इन्हीं नंबर्स को लेके हम सम डिफरेंस कैलकुलेटर का काम करेंगे। तो हम दो नंबर यहाँ पे ले रहे हैं, ए और बी। तो ए इक्वल्स टू इंट इनपुट, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर, ये हमने फर्स्ट नंबर ले लिया है। अब नेक्स्ट हमारा ये फर्स्ट नंबर वो पूछ रहा है, सपोज फर्स्ट नंबर मैंने यहाँ पे 6 दिया है। अब सेकेंड बी वैल्यू हम ले रहे हैं यूजर से, जिसमें फिर से हम और एक दूसरा नंबर इंटीजर ले रहे हैं, इंट इनपुट एंटर द सेकेंड नंबर, एंटर द सेकेंड नंबर। अब हमने सेकेंड नंबर यूजर से ले लिया है, सपोज सेकेंड नंबर हमने यहाँ पे 3 लिया है। अब हमारे ए के पास 6 है, बी के पास 3 है। अगर हम ए प्लस बी प्रिंट कराएंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, 6 प्लस 3 9। ए माइनस बी प्रिंट कराएंगे तो ये रिटर्न करेगा 6 माइनस 3 3। देन ए स्लैश बी प्रिंट कराएंगे तो 6 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं 2.0। नेक्स्ट ए परसेंट बी, ये डिवाइड करने पे मॉड्यूलस रिटर्न करता है। जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 0 है, तो वो 0 रिटर्न करेगा। नेक्स्ट इनटू, तो ए इनटू के लिए हम स्टार यूज करते हैं, बी तो यहाँ पे 18 6 3 18। तो ये यूजर फ्रेंडली है, हमने यूजर से मांगा दो नंबर और हमने सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए। अब इसी में अगर हमको रिलेशनल ऑपरेशन करने हैं, ग्रेटर देन लेस देन, तो हम चेक करेंगे एक एक करके, ए ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है तो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ए लेस देन बी डालेंगे तो ए बड़ा है, फॉल्स रिटर्न करेगा। ए डबल इक्वल्स टू बी, फॉल्स रिटर्न करेगा, दोनों इक्वल नहीं है, ए 6 है बी 3 है। ए नॉट इक्वल्स टू बी, ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। क्लियर? तो ये हो गए हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो आज हमने इनपुट लेना सीखा, स्ट्रिंग इनपुट लेना सीखा, उसको कैसे ऑपरेशन करते हैं ये यहाँ पे सीखा। हमने नेम को इनपुट लिया, उसके बाद एक दूसरे स्ट्रिंग से हमने जोड़ के हेलो को नेम से जोड़ के हेलो रिया प्रिंट करके दिखाया। फिर हमने इनपुट लिया इंटीजर नंबर, उसमें सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस और रिलेशनल ऑपरेशंस किए। फिर हमने एक डेसिमल नंबर लिया, डेसिमल नंबर पे सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। फिर हमने दो नंबर यूजर से लिया, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकेंड नंबर, और हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को कंप्यूटर पाइथन के लैंग्वेज में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। आइडेंटिफायर्स हमेशा अल्फाबेट या अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है, उसमें अंदर हम नंबर डाल सकते हैं जैसे A1, A2, लेकिन स्टार्ट हमेशा अल्फाबेट से होगा। कीवर्ड यूज नहीं कर सकते हम, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं यूज कर सकते जैसे डॉट स्पेस, ये नहीं अलाउ करता है। तो ये जब हम वेरिएबल्स देंगे ये आइडेंटिफायर्स है, तो ये अल्फाबेट से स्टार्ट किए। तो यहाँ पे हमने ए और बी दो वेरिएबल्स लिए हैं दो नंबर के लिए। फिर हमने वेरिएबल्स को यूज करके सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए और रिलेशनल ऑपरेशंस किए। ठीक है, आशा है ये समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्लास में हम लॉजिकल ऑपरेशंस एंड और नॉट लॉजिकल ऑपरेशंस करेंगे,
फिर इन को यूज करना, इज ऑपरेटर को यूज करना, असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज करना, सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हम यूज करेंगे. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.